हमारे फ्यूचर पार्टनर्स और हमारे इन लॉज को पता होना चाहिए कि हम होली को साथ मनाते हैं। बहुत परेशान होता है स्वीट सिक्स और हमने बिल्कुल पी हुई नहीं है। ये बाथरूम है ये। हाय हैप्पी होली, सब लोगों को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलो नहीं बताओ कैसे होली मनाएं, क्योंकि वीडियो तो होली के बाद जाएगा ना। अभी मनाई नहीं है, कैसे बताऊं? अरे उनको बोलो कि कमेंट्स में बताओ कि आपने होली कैसे मनाई। बहुत अच्छे से होली मनाना सब लोग, हम भी अच्छे से मनाएंगे और फिर बताना किसने कैसे मनाई। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जहाँ पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से ये वाला व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि उसका आउटर तो करना भूल गई थी। बट एनीवेज आज से होली स्टार्ट हो रही है। मम्मी आज से स्टार्ट हो रही है कि कब से हो गई? अच्छा परसों से होली स्टार्ट हो चुकी है, मतलब हमारे उत्तराखंड में, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता। हमारे उत्तराखंड में 6 दिन होली मनाई जाती है एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मतलब गांव में तो मैंने कभी होली देखी नहीं है, मम्मी पापा लोगों ने ही देखी हुई है। बट ये लोगों ने बचपन से ही दे ट्राई की, हाँ जो जैसे वहाँ पे होता था वो लोग यहाँ पे भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें भी आइडिया है। बचपन से हम लोग इसी तरीके से होली मनाते हुए आए हैं। तो जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे वी हैड अ लॉट ऑफ फैमिली फ्रेंड्स, जो कि सभी लोग उत्तराखंड से थे, तो हम लोग सब लोग साथ में के होली मनाते थे। एंड 6 दिन की क्योंकि होली होती है तो सबके घर पे इंडिविजुअली जा जाके होली सेलिब्रेट होती है। एंड फिर जो मेन होली वाला दिन होता है उस दिन तो जैसे सब लोग होली करते वैसे हम लोग भी करते हैं। सो यस आई एम एक्साइटेड टू शो यू ऑल इन टुडेज व्लॉग हाउ वी सेलिब्रेट होली उत्तराखंड कल्चर के अकॉर्डिंग। एंड आप लोग मुझे कमेंट्स बताना कि आप लोगों ने होली कैसे सेलिब्रेट करी। कल हमारे घर पे होली है एंड जो मेन होली वाला दिन होता है उस दिन भी हम लोग वहीं पे होते हैं, बिकॉज बचपन से हम लोग मतलब कितने 17-18 साल वहाँ पे रहे हैं। सो वहीं पे ही जाते हैं मोस्टली फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करने। सो यस दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। बट उससे पहले मुझे अपनी वीडियोज़ एडिट करके स्केड्यूल करनी है, क्योंकि आज भी एक वीडियो लाइव जानी है एंड इसके बाद मैं ट्यूसडे तक कुछ भी काम नहीं कर पाने वाली हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही नहीं होंगी। सो आई एम प्लानिंग टू एडिट एंड स्केड्यूल ऑल ऑफ दोज वीडियोस। रिसेंटली सैट डाउन रात में 1 बजे एंड आई ऑर्डर्ड सो मच ज्वेलरी अगेन। मतलब इस बार मैंने बहुत डेंटी सी एवरीडे काइंड ऑफ ज्वेलरी मंगाई है, क्योंकि मेरे पे हैवी पीसेस काफ़ी हो गए थे। बट एवरीडे यू नो विदाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग पहनने के लिए मेरे पास एज सच थे नहीं, और जो थे भी वो मेरे और मम्मी के बीच में से ट्रांसफर होते होते पता नहीं कहाँ खो गए हैं। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ ज्वेलरी पीसेस फ्रॉम मीशो एंड ट्रस्ट मी दे आर सो इनएक्सपेंसिव, सो अफोर्डेबल। आई थॉट ये क्वालिटी बहुत बेकार आने वाली है। एक जो आया है दैट इज लाइक ओकेश, बट दिस वन इज सो गुड, लाइक इट फील्स रियली गुड क्वालिटी एंड ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। सो अभी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, आई शेयर अ हॉल सून जब सारे पीसेज आ जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। नहीं काम बताना जरा। मशीन में कपड़े हैं उनको डाल दे, 4-5 कपड़े हैं बस, हो गया, ज्यादा नहीं है। और कान्हा को खाना खिला दे, अपना खा लेना। अच्छा और बस हो गया। अच्छा और मैं आपके साथ क्यों नहीं आ रही थी? ब्लॉग डालने के लिए। हाँ मुझे वीडियो एडिट करके डालनी है, इसके वजह से मैं नहीं जा रही हूँ और यहाँ मुझे इतने काम दे दिए कि मैं अपना काम ना कर पाऊँ। ये 2 ऑप्शन है पर आपको पता नहीं बड़े तो नहीं लगेंगे, देखो पहन के देखो। इतने बड़े पहन के कौन पहन रहा है? होली में पागल हो गई तू तो फिर कौन से पहनोगी? ये पहन लेती हूँ ना, ये साड़ी दिखाओ अपने पीछे 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 आगे जाओ दिखा दिया ठीक है आगे जाओ। हाँ देखो कितनी सही लग रही है ना होली के लिए, यार आपने सही टाइम पे मंगा ली। ये कैब का नंबर है 4376 और ये OTP है। रख देंगे तो खाना खाने का। हाँ मम्मी जाओ तो तू जाके खाएगी तो इसमें से ले लेना। हाँ और सब्जी भी फ्री में, रोटी। हाँ और पहले खाने को खिला ठीक है। मुझे बता देना पहुंच के मिल गई कैब। ठीक है फोन स्पीकर पे तो नहीं है? हाँ तो अब ऐसे बोलो कि ठीक है मैं तेरे साथ लोकेशन शेयर कर रही हूँ।
ठीक है चलो मुझे पहुंच के बता देना, बाय बाय। गॉन आर द डेज जबकि मम्मी को मेरी टेंशन हुआ करती थी, अब मुझे उनसे ज्यादा उनके टेंशन होने लग गई है, बिकॉज वो कभी अकेले नहीं जाती, कितना मैं उनको बोलती हूँ अकेले बाहर निकलो भाई, हैबिट होनी चाहिए, बट वो नहीं जाती है। सो कभी कभी जब जाती है तो मेरे को थोड़ा सा रहता है कि हाँ सेफली पहुंच जाए। आई रियली जस्ट कुड नॉट अकंपनी हर, मैंने उनको बोला हुआ था कि मैं आपके साथ चलूंगी, बिकॉज मेरा भी मन था जाने का, मजा आता है, बट देन I had to upload the video today. तो शाम को हम लोग जाएंगे, पापा भी आ जाएंगे, भाई भी आ जाएगा, तो हम लोग सभी लोग जाएंगे अपनी कार से एंड फिर मम्मी साथ में हमारे वापस आ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा शाम को जाना ही है तो माइट एज वेल फिनिश माई वर्क एंड देन लीव, ताकि मुझे गिल्ट भी ना हो वहाँ पे इंजॉय करने में। सो दैट इज वॉट आई एम गोना डू नाउ एंड आई एम गोना ईट फ्रूट्स राइट नाउ। मेरी मम्मी मेरे को इतने सारे कपड़े दे के गई हुई है बालकनी में डालने के लिए, तो आई विल डू दैट एंड आई ऑल्सो नीड टू क्लीन अप ऑल दिस पसारा दैट आई हैव मेड। वीडियो इज फाइनली एडिटेड एंड अभी मैंने उसे एक्सपोर्ट पे लगा रखा है एंड आई थॉट बाय द टाइम दैट गेट्स एक्सपोर्टेड आई माइट एज वेल गेट रेडी बिकॉज आई हैव टू लीव इन अबाउट अंडर एन आवर, आई डोंट नो, जब भी पापा आ जाएंगे। द फर्स्ट डे दैट आई एम गोइंग एंड दिस इज वॉट आई डिसाइडेड टू वेयर, आई एम वेयरिंग, ओके, आई एम वेयरिंग माई ब्लू डेनिम्स and this white sweater. Anyways, I bought it from Sarojini for 200 rupees and I do not mind giving it up. 2 saal main isko pehen chuki hu, so that is enough paisa vasool. And yeah, that is all I'm gonna do. I'm not going to do any makeup as such and my hair does not need any styling. This is the lipstick that I'm choosing for the day. This is Mama Earth ki kaun si hai ye? Soft matte long stay lipstick in the shade 01 mocha brown. Love this color. So this is like the perfect brown nude for me and I'm not going to do anything else to my face, no mascara, no blush whatsoever. I just want to keep it really natural. But touch wood, my skin has been skinning lately, like I have no acne right now and I feel so good saying that. बट एट द सेम टाइम मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि मैं जिस दिन व्लॉग में आके बोल दूंगी ना कि आज मेरी आंखें नहीं हो रहा, मेरी स्किन अच्छी हो रही है, उसी के अगले दिन मुझे आंखें निकल के आ जाता है। सो प्लीज प्लीज नो बुरी नजर गाइस, कीप इट टू योर सेल्फ, डू नॉट गिव इट दिस वे। बट या सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट क्या, मैं पूरी ही रेडी हूँ। ओ या, आई गॉट सम रियली क्यूट इयररिंग्स फ्रॉम मीशो, मैंने आप लोगों को बताया था, सो आई एम जस्ट गोना वियर वन ऑफ दोस। These are very pretty, yin yang बोलते हैं ना इसको, वो वाली earrings. And this is what they look like on my ear. And so pretty, right? So it is finally 8. Vlogging the entire day or the entire week is a different thing. And then editing is another different thing. And then exporting and uploading that video is a totally different thing. भाई साहब, बिना मेहनत के भी उसमें इतना time लग जाता है, because you just have to sit there and wait for it to process and upload completely. It has been almost क्या 2 hours से ज़्यादा हो चुके हैं and this one is still stuck at 56 minutes HDN 4K processing. तो अभी मैं फिलहाल मैंने schedule कर दिया है 8 o'clock के लिए and it will upload in SD, that is like HD से कम वाला quality, and अभी थोड़ी देर में वो process होके HDN 4K हो जाएगा, so then you can enjoy it. अभी जब आप इसको देख रहे हो तब तक तो हो ही गया होगा. So yes, that is all done and now we are finally headed. अपनी मम्मी इज ऑलरेडी देयर, मैं पापा और भाई अभी निकले हैं. So yes, let's go and start the holy fun. तो हम लोग इंद्रपुरम पहुंच चुके हैं एंड जो डेट वाला व्लॉग था जिसमें मम्मी को डेट पे लेके गई थी, उसी व्लॉग में मेरे भाई ने इयररिंग खरीदा था और अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, वो घुमा चुका है. तो अभी हम लोग आए थे इधर पे, वी बॉट अ न्यू इयररिंग फॉर हिम एंड हम लोग वहीं पे थे, तो मतलब नेकी और पूछ वाली बात हो गई कि इस इलाके में आए और चाइनीज हटा के मोमोज नहीं खाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता. ऑल दो मैं डाइट पे चल रही थी एंड लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग, आई प्रोमिस, मैंने पिछले ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिनों से कुछ भी बाहर का नहीं खाया हुआ है. बाहर का क्या, मैंने घर पे भी कुछ अनहेल्दी नहीं खाया. आई बीन वेरी 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 कॉन्शियस विद व्हाट आई एम ईटिंग, सो आई थिंक इतना तो चलता ही है क्योंकि फेस्टिव लॉन्ग वीकेंड है, तो मैं चाहे कितना भी इस चीज़ को डिनाई कर लूँ बट आई नो फॉर फैक्ट कि मेरी डाइट फकअप हो ही जाएगी इस वीकेंड पे. सो आई माइट स्टार्टेड टुडे
ओनली. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मुझे खुशबू से ही मजा आ रहा है क्योंकि मुझे ऑलरेडी भूख लगी हुई है. फुल कर दो मोमोज, एक फुल पनीर स्टीम मोमोज और एक चिली पोटैटो. जी थैंक यू. Currently it is 11:30. अभी घर पे हमारे होली का फंक्शन चल रहा था एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था तो फिर हम लोग बाहर आ गए घूमने. दिस इज वॉट वी डू वेन एवर वी आर हियर एंड दिस इज पूजा पांडे. हाय गाइस, अब तो आती नहीं है चैनल पे तो गाइस मैं मई 17 के बाद अवेलेबल हूँ. मैं सोने के वहीं रहूंगी. देख लो भाई डेट दे दी है. अभी से सीए वाली फील ले रही है. ये इसके इंस्टाग्राम आईडी 17 मई के बाद इसे स्पैम कर देना डीएम से कि जाओ सोने के वहाँ. बट 11:30 बज रहे हैं, सड़क पे हम घूम रहे हैं. ये ऐसा से सीन मुझे ज्यादा देखने नहीं मिलता क्योंकि रात में ज्यादा मैं बाहर आती नहीं हूँ. सो आई एम रियली फीलिंग माई सेल्फ राइट नाउ. आई डोंट हैव मच प्लान्स. अभी घर वाले सब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं घर पे एंड हम लोग यहाँ सड़क पे निकले हुए हैं तो वो लोग बिजी है. उन लोग को हमारी याद नहीं आ रही तो हम लोग यही करने वाले हैं. रात भर यहाँ सड़क पे घूमने वाले 12:00 तक एंड देन वी विल गो होम. कल ये लोग सब मेरे घर पे आएंगे. सो आई विल सी यू गाइस टुमॉरो. द नेक्स्ट डे. हाय गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड इट इज करेंटली 5:45 एंड ओ माई गॉड आई स्लेप्ट सो मच. एंड हाउ, कल रात भर नहीं सोई थी, लाइक लेट सोई थी, अराउंड 2 or 3. सो I woke up at 9 or 10 and then I had breakfast and I didn't know that I dozed off again. Abhi check kiya to mera BP low ho raha hai and that explains why I was sleeping this much. Holy spirits jitni high thi utni dead ho gayi hain. Life is very very unpredictable but I get excited to holi ke liye and now I'm just not. But yeah, but still let's see what happens. I'm not saying anything right now but I had so many plans for 2 or 3 holy reels jo mujhe shoot karni thi wo cancel ho gaye hain and I'm just not feeling good about it but anyways abhi ghar pe guests aane wale hain so main subah se to mummy ki kuch help nahi kar payi. Wo log sab akele kar rahe the so abhi mujhe kheera diye gaye hain to abhi main inko kaddukas kar rahi hu taki inka raita ban paye. After the 2 sandwiches that I had in the morning, I haven't had anything. Here I have McCain and I am not following any diet until Tuesday. Bilkul bhi nahi. Holi ka reason excuse leke, I am just ditching my diet because food is something that makes me happy and I really need that food to be happy right now. So the guests are almost here and I changed because main बहुत दिन से वही पर्पल टॉप पहन के घूम रही थी एंड आई वाज जस्ट बोर्ड एंड आई फील सो गुड इन ब्लैक. एंड तेरे पास श्वेत कुर्ता तो था नहीं तो है तेरे पास श्वेत कुर्ता? मेरे पे एक ही है वो जो मैं अभी लाजपत से लेके आई थी. तो उसको पहन ले. बता अनारकली है उसको मैं अभी खराब की करूँ? मैंने एक भी बार नहीं पहन रखा है वो. अनारकली नहीं है तेरे पास, श्वेत कुर्ता भी है वो चिकनकारी वाला. वो तो घुसता ही नहीं है. बिल्कुल नहीं. अरे वो तो 7 सदी में भी नहीं घुसेगा. मुझे सफेद टी शर्ट भी नहीं है तेरे पास? अभी सफेद क्यों पहनना है? लेकिन होली में सफेद ही पहनते हैं. मेरे पे कुछ नहीं है सफेद. ओके सो दैट वाज अ डिस्कशन ऑफ मी गेटिंग ओवरवेट बट इग्नोरिंग दैट व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट द गेस्ट्स आर ऑलमोस्ट हियर एंड आई फील दैट ऑल दैट इट टेक्स फॉर मी टू चीयर अप टू गेट हैप्पी इज ऑयल. लाइक द डर्टीएस्ट अनहेल्दीएस्ट फूड डीपली फ्राइड इन ऑयल इज ऑल दैट आई नीड टू यू नो get back my energy. So I had McCain, then I had papad and I am happy now. I know we don't wear black on holi but can't do much about that because ye maine pehle nahi socha tha warna main kuch to white khareed ke le aati but abhi I all that I have is sweaters and kal main sweater pehen ke gayi thi. You guys saw that and
इट वॉज अ बैड डिसीजन लाइक आई फेल्ट सफोकेटेड एंड फिर एंड में मैंने पूजा से टॉप मांग के आई चेंज मम्मी को बहुत तेज डांस आ रहा है लेकिन बाहर शर्म आ रहा है मम्मी तो फिर बाहर क्यों नहीं नाच रही इग्नोर द ऑकवर्ड कैमरा एंगल हाई गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे वन डे बिफोर होली कल होली है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं तो आज भी एक के घर पे होली है वहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एंड देन वी विल स्टे द नाइट देयर ओनली एंड फिर कल भी होली उन्हीं के वहाँ सेलिब्रेट करके हम लोग घर आ जाएंगे एंड या लेट्स गो थैंक यू बेटा सब सब लोग ऐसे तूने आगे कर दिया ये ठीक है यू कर दिया ऐसे थैंक यू बेटा Meanwhile, रात के बज रहे 12 हैप्पी होली आंटी पे मार दो आंटी पे नहीं मारना भाई से मार अबे आंटी पे नहीं मारना अबे यार चीता दो फुलाओ तीन चार लोग आ रहे हैं झुंड में ठीक है अबे आशु जल्दी आना अरे हट ना तू अंदर फुलाओ टीचर में स्ट्रेचर पर है स्ट्रेचर पर है अंदर वाले नल में ही फूल जाएंगे बाहर आ जल्दी दूर जल्दी अबे तो मैं दो बना लेती हूं हां तो आराम से बनाओ ये चौकीदार है हमारा चौकीदारी कर रहा है सारे ढूंढने तीन बंदे भरने वाले हैं टारगेट आ गए भाई मेरे को दूसरा नहीं मिला किसको मारना है अबे वहाँ तक तो जाइए और बेबी ने मैं अभी मार दिया बेबी के हाथ लंबे हैं यार बहुत लंबे हैं कानून के हाथ हैं आ जाओ नीचे खड़े हो नीचे यहाँ पे सामने आशुन तो बारिश कर दी द नेक्स्ट डे सोनी मिश्रा ये कर रही है ये कर रही है और में काम कर रहा हूं। हमारा गौरव यहाँ बेसन खोल रहा है देखो आज का जमाना कितना अलग हो गया है लड़के यहाँ पे खाना बना रहे हैं खाना फ्लफी बना रहे हैं क्या बना रहे हैं क्या 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 बना रहे हैं फ्लैपी बना रहे हैं और लड़कियाँ यहाँ पे आगे बढ़ती हैं गुब्बारे फुला रही हैं नहीं लड़की नहीं मैं बच्ची हूँ आई एम स्वीट 16 नहीं स्वीट 6 लाल डालो अभी में मजा नहीं आता लाल गौरव का फ्लफी बैटर फ्लफी गौरव मिश्रा हाय सी गाइस ये टी शर्ट के ऊपर ये नया फैशन है आज के डेट में ना अभी मेरे एक गुब्बारा यहाँ पे ना फूला हुआ क्या यार कोई आई नहीं ना मैं बारह से गुब्बारों को कर दूंगी अरे अरे स्टार्ट शॉट तो मेरा फोन में गिरा दिया शॉट अबे यार एक ले लो हाँ ले ओले ले से लगा मेरे मेरे पास हाईटेक गुब्बारा ये बात गलत बात है ना फट अपने आपको मारने वाली शक्ति होली
हाँ चलो 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 ले वो देख पानी 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 की कमी के चक्कर में होली हुई पानी। गाइस हमारे पास होली के लिए पानी नहीं है। हम बीच में बोला था क्या बोला था हमने लटपटी हमारी लटपटी होली हो गई है ना सूखी है ना गीली है। हम पानी गीले हो गए सब पानी के इंतजार में बैठे हैं। अभी होली रिज्यूम होने वाली है। इंद्रपुरम में पानी नहीं आ रहा है वो भी होली के दिन। ये डीएम भी है जो भी डीएम भी है ना प्लीज इसका ध्यान रखो। बहुत परेशान मेरा घर ऐसा हो रहा है जैसे रुपाई घर में आ जा रहा है। Many hours later. Finally, guys, पानी आ गया है। ये अंकल को मैंने अभी कॉल किया था। इसके मान के अंकल ने इंद्रपुर में पानी भेज दिया। ज्ञानखंड तक अभी 5 मिनट पहले आया था। उसको किराया वराया नहीं मिला था तो उसके थोड़े अभी ऑटो पकड़ के यहाँ आ गया है। आया पर वो थोड़ा मिट्टी सारे अंकल हमारे और हमने और हमने बिल्कुल पी हुई नहीं है। मतलब हम लोग खेल के आ गए एंड अभी हम लोग फ्रेशन अप होंगे। ऊपर ही हेयर वॉश तो करके आ गए। हाय गाइस ये हमारा होली रिचुअल है कि हम लोग एंड में हमेशा साथ में आते हैं और आज हमारे पास तीसरी का टेस्ट स्नैक्स के साथ मुझे बताओ कमेंट्स में आपका कोई ऐसा होली रिचुअल है जो आप हर साल करते हो जो कि बहुत ए रुक जा भाई क्या बोलेंगे पति होती क्या बोलेंगे। अब चलो तो शादी के बाद देखेंगे। मतलब हाँ ये है कि मतलब होली एंड होती है। मैं शादी पहले बोल देंगे भाई ऐसा। हाँ शादी तो पहले ही पता होना चाहिए। हमारे फ्यूचर पार्टनर्स और हमारे इन लॉज को पता होना चाहिए कि हम होली में साथ में मनाते हैं और वो चेंज नहीं होने वाला है। तभी हम लोग ये बाथरूम है ये प्रॉपर बाथरूम है जाना है ये क्या मस्त बैठ के मन चल रही है मजा चाय बन रही है। अब हम लोग फटाफट से फ्रेशन अप होते हैं। एक दो घंटे के बाद आप लोगों से मिलते हैं। कल हम लोग आए एंड वी वर सुपर 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 टायर्ड एज यूजुअल। होली के बाद यही होता है हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं एंड आके वी जस्ट स्लेप्ट स्ट्रेट अप स्लेप्ट एंड टुडे इज द नेक्स्ट डे। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि हम होली के बाद इतने इंसान जैसे लग रहे हैं वरना हम लोग काले पीले होके रह जाते हैं एक हफ्ते तक। बट दिस टाइम वी जस्ट प्लेड विद गुलाल एंड वाटर एंड यस होली इज ओवर। सो आई एंड दिस ब्लॉग राइट हियर इटसेल्फ। आप लोग मुझे कॉमेंट्स बताओ हाउ वॉज योर होली एंड ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई शैल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दिस स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय।